जब से राहुल गांधी ने ये सवाल पूछे हैं, उनकी छवि को बर्बाद करने की मानो एक साजिश रची जा रही है। और वो सवाल क्या है दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए जो कि अडानी की फर्जी शेल कंपनियों में हैं, वो किसके हैं? वो फर्जी शेल कंपनियां किसकी हैं? काला धन इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डर क्यों छा जाता है जैसे ही कोई अडानी नाम लेता है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नतीजा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, न सिर्फ राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मगर समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए बगैर उनकी छवि को और ज्यादा उठाने की कोशिश की जा रही है। परिणाम आपके सामने है, वो टाइगर रिजर्व जाते हैं दोस्तों, ये छवि सामने उभर कर आती है, ये तस्वीर सामने उभर कर आती है और तमाम न्यूज चैनल्स इसको लेकर कवरेज करते हैं, वाहवाही करते हैं प्रधानमंत्री की। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश, उन्हें टारगेट करने की कोशिश, और इसमें न सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि कुछ पुराने कांग्रेसी भी शामिल हैं, एक एक करके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा राहुल गांधी का यह ट्वीट जो आपके स्क्रीन्स पर है। एक बार फिर राहुल गांधी जो है इस ट्वीट के जरिए तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री पर। इसके जरिए राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों के जरिए जनता का मन भटकाया जा रहा है, मगर असली मुद्दा अडानी ही है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं? इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, अडानी तो लिखा ही हुआ है, मगर अडानी के ए से गुलाम, यानी कि गुलाम नबी आजाद, क्योंकि आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद ने बाकायदा तमाम चैनल्स को इंटरव्यू दिया था, और न सिर्फ इंटरव्यू दिया था बल्कि यह कहा था राहुल गांधी की वजह से मैं कांग्रेस छोड़कर गया, पानी पी पी कर राहुल गांधी को गाली दी। इसलिए राहुल कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के जरिए असली मुद्दे को भटकाया जा रहा है। तो अडानी के ए में गुलाम नबी आजाद हैं, उसी तरह से आप देख सकते हैं डी में सिंधिया हैं। याद कीजिए सिंधिया ने क्या कहा था, सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी की सिर्फ एक विचारधारा है और वो है देश के साथ गद्दारी, ये बयान दिया था। इसलिए अडानी के डी में राहुल ने सिंधिया का नाम शामिल कर दिया है। अब फिर से अडानी के ए में कौन, किरण। कौन किरण? याद कीजिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल होते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स इसे कांग्रेस के लिए एक करारा झटका बताते हैं। एबीपी न्यूज ने तो इसे कर्नाटक में कांग्रेस के लिए झटका बता दिया, जबकि किरण रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कर्नाटक से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसलिए अडानी के ए में किरण के साथ जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब अडानी का एन, इसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और उसी तरह से अडानी का आय यानी अनिल अंबानी। नतीजा क्या हुआ है दोस्तों, राहुल गांधी के इस ट्वीट से हेमंत बिस्व शर्मा बुरी तरह से बौखला गए, वो इसे मानहानि बताते हैं। एक तो मैं समझ नहीं पाया हूं इस ट्वीट में मानहानि वाली ऐसी क्या बात है, सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं। व्हाट एवर राहुल गांधी हैज ट्वीटेड, इट इज ए डिफामेटरी ट्वीट, सो वंस प्राइम मिनिस्टर गोज बैक फ्रॉम असम विल रेस्पॉन्ड द ट्वीट। तो हेमंत बिस्व शर्मा सीधे तौर पर इसे मानहानि बताते हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस क्यों किया जा रहा है। सूरत में उनके खिलाफ जो केस किया गया था, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, उनकी संसद की सदस्यता चली गई, बात वहां नहीं रुकी, उन्हें घर से भी निकाल दिया गया। मुद्दा था मोदी सरनेम का, यही नहीं पटना में भी उनके खिलाफ एक केस चल रहा है यही मोदी सरनेम को लेकर।
अब एक और केस हेमंत बिस्व शर्मा करना चाहते हैं और मैं फिर राहुल गांधी का वो ट्वीट आपको दिखाने चाहता हूं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं इसमें डेफेमेटरी यानी मानहानि वाली क्या बात है। क्या हेमंत बिस्व शर्मा अपना नाम अडानी के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं? इसमें क्या मानहानि वाली बात है? मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा सरल है कि राहुल गांधी को अगले एक सालों में इतने केसेस में फंसा कर रखा जाए कि वो किसी चुनावी कैंपेनिंग में ना जा सकें। एक के बाद एक इसी तरह से छोटे 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 केसेस फाइल किए जाएंगे। कुछ में राहुल को सजा मिल जाएगी, कुछ में जो है अदालती कार्रवाइयों में वो फंसे रहेंगे। जाहिर सी बात है वो चुनावी कैंपेनिंग क्या करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अडानी पर सवाल कर रहे हैं। कैसे? और खासकर पत्रकारों को फटकार लगा के खुद सुनिए। व्हाई डू यू ऑलवेज से व्हाट बीजेपी इज सेइंग? एवरी टाइम यू से व्हाट बीजेपी इज सेइंग, देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के और भी तरीके हैं दोस्तों। राहुल गांधी इटालियन सेंटर जाते हैं डिनर करने। एबीपी न्यूज का ये पत्रकार ये ट्वीट करता है, इसमें वो ये कह रहा है कि संसद की सदस्यता बर्खास्त होने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर राहुल गांधी इटालियन कल्चरल सेंटर में डिनर कर रहे हैं, वहां सुकून ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां दो आपत्तियां हैं। क्या इटालियन कल्चरल सेंटर में डिनर करना अपराध है, नंबर एक? नंबर दो, क्या आप किसी की सहमति के बगैर इस तरह से उसकी तस्वीर खींच सकते हैं? न सिर्फ एबीपी न्यूज का यह पत्रकार जिसकी जुबान, जिसकी बोली, जिसका ट्वीट किसी ट्रोल से कम नहीं है, अमित मालवीय को देखिए, वो भी लगभग वही बात कर रहा है। यानी कि एक टूल किट जारी हो जाता है कि राहुल गांधी की तस्वीर खींची जाए और फिर उस तस्वीर को लेकर उन्हें बदनाम किया जाए, उन पर निशाना साधा जाए। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों कि हर छोटे मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा जाए, वो डिनर भी करें, खाना भी खाएं, मुंह में निवाला भी डालें, तो उसको लेकर भी उनके चरित्र पर वार किया जाए, जैसा कि एबीपी न्यूज का यह पत्रकार कर रहा था। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था ना, उसमें आपने देखा कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद का भी जिक्र किया और सिंधिया का भी जिक्र किया। मैं आपको बतला चुका हूं, एक ही दिन पर दो चीजें होती हैं। तमाम न्यूज चैनल्स गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करते हैं, बात यहां नहीं रुकती। ये तीनों गोदी पत्रकार जो हैं एक साथ फोटो खिंचवाते हैं कि देखो हम गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू कर रहे हैं, और उस इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी को पानी पी पी कर गाली देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताते हैं। गुलाम नबी आजाद ये भूल जाते हैं कि कश्मीर का मुख्यमंत्री इसी कांग्रेस आला कमान ने उन्हें बनाया था, यूपीए सरकार में मंत्री इसी कांग्रेस आला कमान की वजह से थे। हकीकत यह है कि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग सत्ता की मलाई खा रहे थे, और जैसे ही वो बाहर हुए, जैसे ही उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी शुरू कर दी। क्योंकि देखिए, ये तमाम नेता, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे जितिन प्रसादा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये जो तमाम नेता हैं, ये सब 10 जनपद के करीबी थे। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, ये लोग ताकतवर स्थानों पर थे, मगर जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्योंकि ये लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, ताकत के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी को देश का गद्दार बता रहे हैं, लगभग, क्योंकि अब वो उनकी विचारधारा को देश की गद्दारी के साथ जोड़ रहे हैं। यह बात अलग है कि सिंधिया अपने पूर्वजों को भूल गए। ढेरों ऐसी मिसाल हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जी हां, सुभद्रा चौहान की कविता से लेके इतिहास के पन्ने खंगाल लीजिए। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे
एक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस करना, चाहे उनका डिनर करना और उस डिनर पर आपत्तिजनक बयान देना, इन तमाम चीजों से पता चल रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी को या तो अदालती मामलों में घेर कर रखा जाए या उनके चरित्र हनन का प्रयास किया जाए। और उसमें न सिर्फ भाजपा के नेता, पूर्व कांग्रेसी और इनके पालतू पत्रकार भी मौजूद हैं। मगर दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन टाइगर रिजर्व जाते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने इसका किस तरह से कवरेज किया था, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एबीपी न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा किया। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो हाथियों को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं पत्रकारिता। फिर देखिए जी न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी की टाइगर रिजर्व दौरे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे, नए लुक की फोटोज आई सामने। प्रधानमंत्री मोदी का नया लुक, नया स्टाइल, देखा क्या। टाइम्स नाउ नव भारत, कर्नाटक चुनाव में टाइगर की एंट्री, बदलेगी केमिस्ट्री। मोदी जी को टाइगर बता दिया। अरे मोदी जी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं और आप उन्हें टाइगर बता देते हैं। आगे देखिए साहब, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, तीन तीन एंकर्स खड़े हुए हैं महिमा मंडन करने के लिए। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों यहां पर, कि जो असली मुद्दे हैं अडानी के ऊपर, जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब ना प्रधानमंत्री देंगे, ना बीजेपी देगी, और इनका पालतू मीडिया तो ये सवाल पूछेगा ही नहीं। उल्टा मैंने आपको बताया कि किस तरह से राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की बाकायदा एक साजिश रची जा रही है और बाकायदा वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। चीन ने 11 नाम बदल दिए, उस पर अब तक देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइनीज एम्बेसडर को तलब तक नहीं किया। चीन का नाम लेने से ये लोग डरते हैं, अडानी का नाम लेने से प्रधानमंत्री डरते हैं, हिचकते हैं। लोकसभा राज्यसभा के अंदर लंबा चौड़ा भाषण, मगर अडानी शब्द मुंह से नहीं निकला। मगर दूसरी तरफ उनकी छवि का महिमा मंडन मीडिया किस तरह से करता है, मिसाल आपके सामने है। मुद्दों पर प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं, उल्टा विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश। और मैं आपको बतला चुका हूं उस साजिश के पीछे किस तरह की रणनीति है। यह कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है दोस्तों, जब सत्ता पक्ष से मीडिया सवाल नहीं करता, जब विपक्ष के नेताओं को अपराधियों की तरह पेश किया जाता है, जो कि हकीकत से कोसों दूर है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, याद है आपको यह व्यक्ति, शिवराज पाटिल, देश के पूर्व गृह मंत्री होते थे कांग्रेस के जमाने में। ये एक एक दिन दो दो कपड़े बदला करते थे, अनाप शनाप बयान देते थे, बाद में कांग्रेस ने इन्हें बर्खास्त कर दिया था। कल प्रधानमंत्री ने दिन में कम से कम दो बार कपड़े बदले हैं, और इससे पहले भी ऐसी ढेरों मिसालें सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री एक दिन में तीन तीन बार कपड़े बदलते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, प्रधान सेवक को अपनी छवि, अपने कपड़ों से ऐसा ऑब्सेशन क्यों है, ऐसा जुनून कि मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कपड़े बदलूं। इस देश के गरीब के पास आज भी तन ढकने को एक चीथड़ा नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार कपड़े बदलते हैं। क्या यह बात किसी को अटपटी नहीं लगती? जब हम शिवराज पाटिल के ऊपर सवाल उठाते थे जब कांग्रेस सत्ता में होती थी, तो प्रधानमंत्री पर यह सवाल क्यों नहीं? चलिए सवाल ना सही, तंज ही कस दो, वो तक हिम्मत नहीं है इनमें। क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण पूरी तरह से हावी है दोस्तों, मीडिया पर, पत्रकारों पर, पत्रकार क्या कहते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, उस पर भी बीजेपी का पूरा कब्जा है।
और उस मीडिया का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उन्हें बदनाम करो, उन पर निशाना साधो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मगर न्यूज चक्र में हम आपके सामने मुद्दे लाते हैं, वो मुद्दे जो पर्दे के पीछे चल रहे होते हैं, जिस पर आपकी निगाह नहीं होती है, वो परते हटाने का काम हम करते हैं। और आज भी वही बात मैंने आपके सामने की। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।